एससीओ समिट आज पीएम मोदी समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं समरकंद। करीब 3 साल बाद साथ दिखेंगे पीएम मोदी और शी जिनपिंग। लखीमपुर मामले में घिरी योगी सरकार, पीड़ित परिवार के लिए 25 लाख की मदद का ऐलान। सीएम योगी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के दिए निर्देश। गुजरात चुनाव में राघव चड्ढा को मिली अहम भूमिका, जिम्मेदारी का जल्द होगा ऐलान। अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं राघव चड्ढा। फिर राजस्थान में पंजा मारने की तैयारी में कांग्रेस, नैनवा में सीएम गहलोत का दौरा, कई योजनाओं की देंगे सौगात। आज से फिर शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, 17 सितंबर को अलपुजा पहुंचेगी यात्रा, 23 सितंबर को त्रिशूर पहुंचेगी। मिशन दक्षिण पर कांग्रेस, आज कर्नाटक में होगा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, कई दिग्गजों का नाम आगे। असम सरकार और 8 जनजातीय समूह के बीच हुआ समझौता, अमित शाह ने बताया मील का पत्थर, नॉर्थ ईस्ट में होगा जल्द विकास। लद्दाख में भूकंप के तेज झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.8 रही तीव्रता, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। सोनाली फोगाट केस की फाइल लेते ही एक्शन में सीबीआई, आज गोवा पहुंचकर सबूत जुटाएगी टीम, हरियाणा में भी करेगी जांच। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार, 16 सितंबर को ऑरेंज और 17 सितंबर को रेड अलर्ट जारी। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग, युद्ध में इस सप्ताह 71 सैनिक मारे गए, हजारों सैनिक हुए घायल। यूक्रेन के इजियम शहर में 440 लोगों के शवों की मिली कब्र, रिपोर्ट का दावा रूस ने मार गिराए लोग। चीन की नाकेबंदी से जान गंवाने के लिए मजबूर हो रहे हैं नेपाली व्यापारी, बीजिंग ने व्यापार समझौते को नहीं किया लागू। रोजर फेडरर के रिटायरमेंट पर भावुक हुए राफेल नडाल, बोले काश ये दिन कभी नहीं आता। पाकिस्तान ने T20 विश्व कप के लिए किया टीम का ऐलान, शाहीन की वापसी, धाकड़ बल्लेबाज बाहर। सऊदी अरब बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर देश, 8,63,950 बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा। लिम्पी बीमारी से राजस्थान के दूध उत्पादन में 2 लाख लीटर की गिरावट, मिठाइयों के बढ़ गए दाम, व्यापारियों को पहुंचा नुकसान। एंड्रॉइड मोबाइल में बैंकिंग ऐप को निशाना बना रहा है सोवा वायरस, अनइंस्टॉल करना भी मुश्किल, वायरस की जांच के लिए टीम गठित। बैंकों में चिप संकट, गिरोह बनाकर ठग रहे हैं कार्ड विक्रेता, आईबीए ने कहा प्रतिस्पर्धा आयोग करे जांच। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज करीब 131 ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई गाड़ियों का बदला गया रूट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।